हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग वंस अगेन। कैसे हैं आप? तो आज कल मैंने अनबॉक्सिंग की थी इस फिटबिट बैंड की, तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसका रिव्यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं एक सबसे पते की बात ये है, अगर आप तलाश में बिल्कुल इकोनॉमिकल एंड सभी जो फीचर्स उसमें बेसिक आप चाहते हैं, बेसिक्स में मैं कहूँगा जो ऑलमोस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो एक फिटनेस बैंड में होने चाहिए प्लस इकोनॉमिकल, तो वो बैंड ये है। इसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स जो एक्चुअल फिटनेस मॉनिटरिंग के लिए आपको चाहिए वो आपको इसमें आपको मिल जाएंगे, और इसका प्राइस है सिर्फ 1300 रुपये। रेट होने के अच्छा होने के बावजूद इसमें जो क्वालिटीज़ हैं बहुत अच्छी हैं। क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा बैंड बनाया गया, दिखने में लुक में काफ़ी स्लीक है, बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, और इसमें जो बैंड है बैंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यू कैन कंपेयर इट विद एप्पल वॉच, मैंने एप्पल वॉच भी यूज़ की हुई है सीरीज़ 1 की, तो उसको ये कंपटीशन दे सकता है। आई मीन द क्वालिटी ऑफ द बैंड एंड द मटेरियल ऑफ प्लास्टिक विच इज़ यूज्ड इज़ वेरी गुड। तो इस प्राइस रेंज में ऐसा क्वालिटी देना बड़ा अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की जो आपको इसमें मिलेंगे। नंबर वन फीचर इसका मिलेगा आपको जो बहुत अच्छा है इस प्राइस रेंज में, इट इज़ वाटर प्रूफ। IP67 की इसकी रेटिंग है, तो इसके साथ आप नहा भी सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, इट्स वेरी नाइस। नंबर टू इसमें आपको जो बेसिक फीचर्स हैं सारे आपको मिल रहे हैं, ये आपके स्टेप्स काउंट करता है। नंबर थ्री, ये आपके कितने मीटर्स आप चले हो वो बता देता है। एंड नंबर फोर, ये आपको कितनी कैलोरीज आपने बर्न की हैं वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ जैसे आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि एज सच इसमें कोई भी बटन नहीं है, इसमें सिर्फ खाली एक बटन है, यू कैन सी लाइक दिस वन, जो एक टच बटन है, सॉफ्ट टच वाला। तो इस बटन के साथ ही आप सब इसकी जो डिस्प्ले है वो मैं आपको थोड़ा लाइट्स में दिखाऊंगा, यहाँ से आपको मैं ओपन में अपने रूफ टॉप पे तो आपको पता नहीं लगेगा। तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको असेंबल करके अपने हाथ में लगा के इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है। फ़ोन में आपने डाउनलोड करनी है इसकी ऐप, मी फिटनेस ऐप, हर एक एंड्रॉयड पर भी अवेलेबल है, iOS पर भी अवेलेबल है, दोनों पर अवेलेबल है। मेरे पास iOS एप्पल है, तो मेरे साथ भी अच्छा वर्क कंपैटिबिलिटी पूरी है, तो एप्पल यूज़र्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नंबर थ्री, ये करने के बाद आपको ऐप में ही अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका फेसबुक का पेज सबके पास है तो फेसबुक के थ्रू भी आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, कोई दोबारा से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो थ्रू फेसबुक आपने उसमें लॉगिन किया, आपकी इन्फॉर्मेशन, वाइटल स्टेट्स, मतलब नाम वगैरह उसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपने जो जो फीचर इसमें यूज़ करना है, बेसिक फीचर तो आप हैं ही जो ऑलरेडी ऑन रहते हैं, वो है आपके वॉकिंग, मतलब कितने स्टेप्स आपने लिए। नंबर टू, कितना डिस्टेंस आपने वॉक किया। नंबर थ्री, कि कैलोरीज कितनी बन गई, ये तो इसमें बेसिक ऑन ही है। इसके अलावा इसका जो खास फीचर है, स्मार्ट वॉच वाले फीचर्स भी इसमें इस रेंज में हैं। स्मार्ट वॉच वाले फीचर्स इसमें हैं कि अगर आप, वो आपकी ऑप्शन है, वो ऑप्शंस आप अपनी ऐप में ऑन या ऑफ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो ऐप से तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या ये स्मार्ट वॉच वाले फीचर देता है? नंबर वन, कॉलिंग, जो भी आपको कॉल आएगी ये वाइब्रेट करता है उसके तीन सेकंड के बाद, जैसे कॉल आई है तो वाइब्रेशन आपकी कोई कॉल मिस नहीं होगी, बड़ा अच्छा फीचर है स्मार्ट वॉच का। इसके अलावा इसमें ऑप्शनल है, अगर आप SMS का भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि SMS आने पर भी ये वाइब्रेट करे, तो वो भी ऑप्शन है। नंबर थ्री, अगर आप दूसरी ऐप्स से भी मैसेज, जो मैसेज आते हैं WhatsApp से या Gmail में, कोई ईमेल आई है या आपके पास कोई स्नैपचैट में आया है या ट्विटर से ट्वीट हुई है, तो वो ऐप्स के भी इसमें आप उसको ऑन करके वाइब्रेशंस या मैसेज, जो मतलब ये वाइब्रेट करेगा आपके पास कोई मैसेज या ईमेल आएगा। तो ये तो हो गया कि स्मार्ट वॉच के फीचर्स इसमें जो हैं और इस रेंज में बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा है। इसके बाद चलते हैं इसके एक यूनिक फीचर पे, ये है इसका स्लीप एनालिसिस। अगर इसको रात को पहन के सोते हैं तो इससे आपकी स्लीप एनालिसिस में भी ये आपको मॉनिटर करता रहेगा। और उसका यूज़ क्या है? उसका यूज़ बस यही है कि अगर आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर है तो उसको आप देखना चाहते हैं अच्छे से, तो एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, स्लीप डिसऑर्डर्स काफ़ी होते हैं लोगों को, कईयों को पता ही भी नहीं होता। तो इट्स वेरी नाइस कि अगर आप
अपनी स्लीप को मॉनिटर करना चाहते हैं तो काफ़ी सस्ते में आप वो मॉनिटर कर सकते हैं इस बैंड के थ्रू। अब आते हैं इसकी बैटरी लाइफ पे। अमेजिंग बैटरी, इसमें अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस बताया गया है कि एक बार फुली चार्ज करने के बाद ये कम से कम 15 से 20 दिन आपकी काम करेगी, अगर आपने बेसिक फीचर्स इसके ऑन रखे। इसके अगर ज़्यादा ऑन किया तो फिर बैटरी ऑब्वियसली होगी कि बेसिक फीचर्स में क्या आएगा, आपके फिटनेस के रिलेशन में सारी चीज़ें ऑन हैं, यानी वॉकिंग, कैलोरीज बर्निंग और सब वो चीज़ें ऑन हैं। उसके अलावा कॉल का भी फीचर आप ऑन कर लें, लेकिन आप व्हाट्सएप एंड और SMS जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली आपको आते रहते हैं चीज़ें, वो अगर ऑन करेंगे तो इसकी लाइफ थोड़ी टाइम जो है बैकअप कम हो जाएगा। तो इन फीचर के साथ ये 15 से 20 दिन आपका निकाल देगा। तो थम्स अप फॉर द बैटरी लाइफ। और अब मैं इसके बताऊंगा आपकी इसकी डेमो और इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो वॉकिंग वाला मैं आपको अभी डेमो दे देता हूँ कि स्टेप्स की एक्यूरेसी कितनी है। तो अब तक इसने मेरा बताया है 1828 स्टेप्स मैंने लिए हैं अभी मैं खड़ा हूँ। अब मैं आपके सामने काउंट करके देखता हूँ इसकी काउंटिंग एबिलिटी की एक्यूरेसी कितनी है। अब मैं चलूँगा 10 स्टेप्स एंड देन आपको बताऊँगा कि ये कितना एक्यूरेट है। लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो मैंने 10 स्टेप्स लिए अपने आप काउंट करके। अब इसमें देखते हैं एक्यूरेसी कितनी आई है। अब है इसमें 1840। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है बट काफ़ी हद तक ठीक है। यू कैन गिव इट 8 out of 10 और इवन 8.5 आई वुड से। तो ये था इसका अपना स्टेप्स का मेजरमेंट। अब मैं इसको नीचे जाके आपको इसके ऐप्स के बारे में और इसका डिस्प्ले कैसा है वो दिखाता हूँ। फीचर्स हैं डिस्प्ले को लेके इसमें जो कन्वेंस के लिए भी है वो हैं, वो मैं आप बताता हूँ। एक तो इसमें रेस टू वेक फीचर, रेस टू वेक फीचर है, जैसे ही आप रिस्ट अपना ऑन करेंगे मतलब टर्न करेंगे या लिफ्ट करेंगे तो टाइम का डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें डिस्प्ले में आपको एक साथ सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी देखने को, ये इसमें थोड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक इसलिए है क्योंकि 1300 रुपये का ये आपका है बैंड, तो इसमें स्क्रीन का जो साइज़ है बड़ा छोटा है, उसमें एक साथ आप सारी चीज़ें नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसलिए बट अगर आपने सारी चीज़ें इसमें डिस्प्ले करवानी है तो आप इसमें अपने ऐप से ऑन कर सकते हैं कि मुझे कैलोरी की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, कितना मैं चलाऊँ उसकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और कितना मैंने स्टेप्स लिए हैं, तो वो आप ऐप से ऑन कर लीजिए। और इसमें जो नीचे सॉफ्ट टच बटन दिया हुआ है उससे आप सब मॉनिटर कर सकेंगे। इसका मैं डेमो अभी लाइटिंग में आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा एक बड़ा अच्छा फीचर इसमें जो कॉलिंग वाला मैंने बताया, कॉलिंग का बताता है वाइब्रेशन करके कि कॉल आ रहा है। उसके अलावा ये उस बंदे का नाम भी डिस्प्ले इसमें कर देता है अगर आप ऐप में अपने कॉन्टैक्ट्स लिस्ट को ऑन करते हैं तो। तो ये तो होगी इसकी खास बात और बहुत ही अच्छे फीचर्स। एंड अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स, मैं उनको ड्रॉबैक्स नहीं कहूँगा क्योंकि अगर आप इस प्राइस रेंज में जा रहे हैं तो आपको वो फीचर आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट्स उसमें फिटेड होने चाहिए। नंबर वन, इसमें GPS नहीं है, वो आप लैक करेंगे तो GPS मॉनिटरिंग आपकी नहीं हो पाएगी। नंबर टू, इसमें हार्ट रेट मॉनिटर भी नहीं है। कई बार एड्स में आ जाता है बैंड टू में, और काफ़ी लोगों की अफवाह कि बैंड टू में हार्ट रेट मॉनिटरिंग होती है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें वो नहीं है। बस ये दो फीचर्स हैं, थोड़े महंगे फीचर्स हैं, ये थोड़े हाई एंड के बैंड्स में आएंगे जो मैं आगे सीरीज जब मैं अनबॉक्सिंग करूँगा उसमें आपको बताऊँगा। तो ये थे अपना इसके मेन फीचर्स और बड़े माइन्यूट से ड्रॉबैक्स वो ना के बराबर हैं। तो थम्स अप फॉर ज़ोंबी बैंड इसके। हाय फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं नीचे, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके मी बैंड के डिस्प्ले के फीचर्स और ऐप के बारे में कैसे काम करता है और उनका फीचर्स का कुछ डेमो। फ्रेंड्स, ये है अपना ज़ोंबी का बैंड
और ये इसका टच बटन है, ये देखिए इसका डिस्प्ले टाइम दिखा रहा है। दीज आर द फुट स्टेप्स 1920 जो मैंने इस वक्त तक लिए हैं यूज़ करते हुए। और ये इसके बाद फुट स्टेप के बाद ये आती है अपना 1.2 किलोमीटर जो मैंने ट्रैवल किया, और ये कैलोरीज मैंने 44 इसमें बर्न की हैं। ये इसका बेसिक डाटा है जो ये दिखाता है। तो दिस इज़ द बेसिक डाटा इट शोज़। एंड ये है इसका सेंसर पीछे और टॉप नॉच। और अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ, ये ऐप में जैसे मुझे कोई कॉल आती है तो ये उसको कैसे वाइब्रेट कैसे करता है, और आपका नाम, मैं अपने दूसरे नंबर से इसमें कॉल करूँगा। कॉल आइडेंटिफिकेशन मतलब इसमें नेम भी डिस्प्ले होगा, लकी कॉल एंड सी दिस इज वाइब्रेटिंग एंड इट इज कमिंग मॉम कॉलिंग। तो इसको एक बार टैप करके आप इसको बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मी फिट की ऐप। तो इसमें आपको देख सकते हैं मेरे 90-20 कैलरीज उसमें डाटा आ रहा था, सेम डाटा इसमें आ रहा है। और 1.2 किलोमीटर मैंने वॉक कर लिया है, 90-20 मैंने स्टेप्स लिए हैं और 44 कैलोरीज बर्न कर लिए हैं। तो ये इसका पूरा है। और ये अपनी आ जाएगी प्रोफाइल, ये आ गया आपका बैंड का। अब ये बैंड की ऐप है जिसमें आपने सब सेटिंग करनी है। जैसे इनकमिंग कॉल मैंने ऑन किया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको टर्न ऑन इनकमिंग कॉल आ रहा है, और इसमें आप डिले भी कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट बाई डिफ़ॉल्ट ये 3 सेकंड के बाद वाइब्रेट करना शुरू कर सकता है। और शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको उस बंदे का नाम उसमें डिस्प्ले पे, मेरी मदर का नाम, मॉम का नाम आ रहा था, तो वो अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो नहीं आएगा, अगर आप चाहते हैं तो वो आ जाएगा। तो ये इनकमिंग कॉल का फीचर है। इसके बाद ये अलार्म है, इसमें आप इसमें 10 अलार्म सेट कर सकते हैं। और ये आ गया ऐप अलर्ट्स। तो मैंने सिर्फ अपनी फिटनेस ऐप की ही जो नोटिफिकेशन है वो ऑन किए हुए हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का ऑन कर सकते हैं, फेसबुक के ऑन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऑन कर सकते हैं, स्नैपचैट, इवन कैलेंडर के डेट्स के लिए कोई रिमाइंडर्स डालना है तो वो भी इसमें ऑन हो सकता है। ये स्मार्ट वॉच वाला इसका फीचर है। उसके बाद आता है आपका आइडल अलर्ट। आइडल अलर्ट का मतलब ये है कि अगर आप इसको चाहते हैं कि अगर आप शेड्यूल प्रॉपर नहीं रख पाते किसी चीज़ का, तो ये आपको फोर्स करेगा अलर्ट्स दे देके कि आप वॉक करिए। ये अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं कि 1 घंटे में आपको अलर्ट करे कि 2 घंटे में, वो आप सेटिंग कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। तो वो ये जितना ज़्यादा फीचर्स ऑन करेंगे उतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी। और फाइन बैंड वाला फीचर ये है कि ये कहीं इधर उधर हो जाए तो आप अपने ब्लूटूथ के अनेबल करके इसको सर्च कर सकते हैं। बैंड लोकेशन अगर हम लेफ्ट हैंड में बंद है तो लेफ्ट का दिखाएगा, राइट में डाला है तो राइट में। तो सब्सक्राइबर्स आर एडिंग अप टू द चैनल्स, थैंक्स टू द ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, ऐसे बढ़ते जाइए। और ये अपना ब्लूटूथ का है। जब आप अगर इसको किसी दूसरे फ़ोन का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से जस्ट अनपेयर कर दीजिए तो इससे अनपेयर हो जाएगा। तो इसमें अभी 91% बैटरी पड़ी है और ये पूरी रात से चल रहा है, पूरे दिन से चल रहा है। सो यू कैन इजीली इमेजिन कि जैसा मैंने यूसेज किया है उसमें ये आराम से 12-15 दिन निकाल देगा। तो ये थी मी की ऐप जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसके अलावा एंड्रॉयड्स के लिए इसमें ख़ास फीचर ये है कि एंड्रॉयड के जो फ़ोन अनलॉकिंग भी इससे हो पाएगी, इस बैंड से। उसके आपने आपको सिर्फ डिस्प्ले करना है इसको, तो अपने आप वो फ़ोन जो है आपका अनलॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी ये फ़ोन चाहिए फ्री में तो क्या करना होगा, यस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और मुझे 5000 लाइक्स प्रोवाइड करवाइए। अगर 5000 लाइक्स मुझे इसमें मिल जाते हैं तो जितनी जल्दी मिलते हैं उतनी जल्दी मैं रैंडमली उनमें से एक जो विनर होगा उसको ये बैंड दे दूँगा। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ये ज़रूरी है। क्या क्या एक बार फिर से बताता हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और जैसे ही 5000 लाइक्स हो जाएंगे आई गिव यू दिस फॉर फ्री। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। यो।